दोस्तों वेलकम, कैसे हैं आप सब। आज हम अंदरून ढोरी गेट के अंदर आए हैं, जहाँ हमारे 100 साल से भैया कार्ड लगा रहे हैं पकौड़े की। और जो तले वाले पकौड़े होते हैं, इनकी चौथी पांचवी पीढ़ी काम कर रही है। पीछे से इनका काम चलता आ रहा है पाकिस्तान से, और जहाँ पर भी इन्होंने यही काम रखा है। और उनसे बात करेंगे, पूछेंगे। ये देखें कितना साफ सुथरा सामान तैयार कर रहे हैं, और ये सारा इनका बिक जाएगा थोड़े टाइम में। नमस्ते भैया, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कृष्ण मोहन है। कृष्ण मोहन जी, और ये काम कितनी पुराना आपका जी? ये 1973 से है, पाकिस्तान से चल रहा है। तकरीबन 100 साल ही हो गए ना? हाँ जी, हाँ जी। और कितनी पीढ़ी आपकी आ गई है? चौथी पीढ़ी आ गई है। और ये कितने बजे शुरू कर देते हैं ये काम? बस 11 बजे शुरू करते। पहले सौदा तैयार करते सारा? हाँ जी, ठीक है। और खाने के लिए कब तैयार हो जाता है सारा मटीरियल? बस 12 के बाद। ठीक है। और जो स्नैक वगैरह बनता सारा, पकौड़े वगैरह बनते हैं, साथ में कोई देते हैं कुलचे वगैरह? हाँ, कुलचे भी है। ठीक है। और कितने का पीस देते हैं ये? बस हर पीस 10 रुपए का। हर कोई पीस लेगा तो 10 रुपए का? हाँ जी, कोई भी पीस ले। ठीक है। पैकिंग वगैरह भी हो जाती है, खड़े होकर भी खा सकते हैं। तो कितने बजे आ जाते हैं सुबह? सुबह में 9 बजे आ जाते हैं। 9 बजे आ जाते हैं, और यहीं पर सारा अरेंजमेंट करते हैं तैयारी का। और शाम कितने तक रहते हैं? मैं शाम को 9 बजे तक रहता हूँ। 9 से 9, 12 घंटे का काम हो गया ना आपका। और तेल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ये सरसों का तेल है। सरसों का। और इसको लाके दिखा, ये क्या डाला इसमें कढ़ाई में आपने? ये मिक्स वेज रोल है। मिक्स वेज रोल है, ठीक है। और साथ में आपने और भी पकौड़े बनाए थे? और मेरे पास पकौड़े है, करेले है, करेले हलवा कद्दू। ठीक है। कच्चा तैयार है? कच्चा मटीरियल तैयार है? अभी कच्चा मटीरियल तो है, तैयार ही है। ठीक है, दिखा दे थोड़ा सा, देख लेते हैं। अभी ये फ्राई करेंगे, ये आलू की टिक्किया तैयार है, सारा सामान इनका बिकेगा। ये वेज वाले रोल है, और ये पकौड़े भी बनाते हैं, काफी वैरायटी है इनके पास। और इन्होंने बेसन गोल के रखा है। ये कौन सा बेसन इस्तेमाल? बढ़िया वाला, चने के दाल का बेसन। बढ़िया वाला बेसन इस्तेमाल। और क्या क्या इसमें डालते हैं? इसमें नमक और मिर्च। अच्छा, ठीक है। इसको फेंक के तो जो भी आपने डिप करना हो, तलना हो, उसमें डाल के तैयार करते हैं। ठीक है। और चटनी वगैरह दिखाएं, कौन सी साथ में स्पेशल? ये पुदीने वाली चटनी है। ये देखो कितनी बड़ी इन्होंने भर के रखी है, सारी इनकी लग जानी है। लोग काफी शौक से खाते हैं। इसमें भी इन्होंने आलू और पकौड़े छोटे छोटे डाले हुए हैं, और पैकिंग वगैरह भी हो जाती है। और जहाँ पर भी खाने का, और कुलचे भी साथ में मिलते हैं। 5 रुपए का, 5 रुपए का सस्ता हर कोई खाए। ठीक है। 10 रुपए का पकौड़ा और 15 रुपए में पेट भर जाएगा। हाँ जी, ठीक है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी टिक्कियाँ निकाल के रख रहे हैं। ये देखे कढ़ाई, देखे कितना इन्होंने तेल भरा हुआ है, उसमें से आलू की टिक्किया भिगोड़ भिगो के डाली बेसन के साथ, और बाहर निकाले। इसको फिर अगर कुछ खाने के लिए आएगा देंगे, तो फिर दोबारा इसको फ्राई करेंगे। 2 बार फ्राई होता है। ये देखे पीस, देखे कितना बड़ा है। सिर्फ 10 रुपए का आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आप इधर लोहरी गेट के अंदर आएंगे तो आपको यही भैया मिलेंगे, ये सारा स्नैक तैयार करते हुए। आप आए और ट्राई जरूर करें। आलू की टिक्किया का साइज देखे पहले, 10 रुपए में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। लोहरी गेट के अंदर आए तो जहाँ पर लाली हनुमान जी के नाम से कार्ड लगती है पकौड़े की, वो तले हुए पकौड़े बनाते हैं। काफ़ी वैरायटी है इनके पास है। आलू की टिक्किया है, वेज रोल है, बतौड़ के पकौड़े हैं, जो भी सीजन के हिसाब से पकौड़े ये बनाते हैं। और कुलचा भी साथ में देते हैं, 5 रुपये का कुलचा। चटनी है हरी वाली, पुदीने वाली पकौड़ियाँ वगैरह, आलू वगैरह इसमें डले हुए हैं। अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं जहाँ पर, और पैकिंग वगैरह भी कर देते हैं। सस्ता सौदा है, पेट भर जाता है, कोई भी खाए। और मेरे चैनल को आप ट्राई सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।